तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सरकारी नौकरी अपडेट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं अपने नए मेहमानों से अनुरोध करूँगा, वहाँ नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, कृपया उसे दबा के ब्राउन कर दीजिएगा। और कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, कल 9 से 10 के बीच में आपको फिर से इस चैनल पर आ जाना है, चाहे यूट्यूब का नोटिफिकेशन आए चाहे मत आए, बट आपको आ जाना है क्योंकि कल मैं एक न्यू वैकेंसी का अपडेट करूँगा, तो आप उसे आके देख लीजिएगा। हाँ, और एक ज़रूरी सूचना और, तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, तो सरकारी नौकरी अपडेट अब आपको अनअकैडमी पे भी मिलेगा। तो अनअकैडमी पे मोस्टली पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाएगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे अनअकैडमी पे प्रोफाइल दिखेगा, तो आप वहाँ पे आके फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मे बी 1 या 2 दिन बाद से आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वैकेंसी किसके बारे में है। तो दोस्तों, आपको अनअकैडमी पे देखा जाए तो सत्यम कुमार से नाम की आपकी प्रोफाइल रहेगी यहाँ पे, तो आप यहाँ हो सके तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। मैं अब यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ आपका डेली करेंट अफेयर एंड रीजनिंग का मोर इम्पोर्टेंट सेक्शन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी मैं मोस्टली 6 वीडियो ही अपलोड किया हूँ, वो भी करंट अफेयर का, वो भी दिवाली के पहले ही किया था। दिवाली के बाद यहाँ पर भी कुछ अपलोड नहीं किया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ से फॉलो करना स्टार्ट कर दें, और जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा मैं सब दोनों में वीडियो अपलोड अपडेट करता स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वैकेंसी क्या है। तो आज की वैकेंसी है द गुवाहाटी हाई कोर्ट की, ये वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा, ये मैं 1 या 2 दिन थोड़ा इस वैकेंसी का लेट अपडेट कर रहा हूँ, बट अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। अब वैकेंसी कब से स्टार्ट हुई थी, 16/11/2018 से स्टार्ट हो गई थी, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का है 27 नवंबर 2018, बट एंड पेमेंट का लास्ट डेट है 31 नवंबर 2018, ठीक है, टिल बैंक और ट्रांजेक्शन आवर तक, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं पोस्ट किसकी है। पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जो आपकी सैलरी बनेगी 49 14 हज़ार से लेके 49 हज़ार तक बनेगी, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 75 पोस्ट आए हैं। अब देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल और यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये वाला कंडीशन है। सेकेंड, ए कैंडिडेट शुड पास ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्टेनोग्राफर में, एंड शॉर्ट हैंड फ्रॉम द आई टी आई या पॉलिटेक्निक और एनी अदर इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट हु आर परसुइंग स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड में आल्सो अप्लाई, ठीक है, अभी जो कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट सबमिट पास कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा टू बी हाई कोर्ट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये सब तो बस आपको उस टाइम को जब आप हो जाएगा तो उस वेरिफिकेशन के लिए आप इसे भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइम। तो अभी भी चाहिए भी नहीं, जब वेरीफाई होगा तब उस टाइम भी नीड रहेगा, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आसाम स्टेट स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, सॉरी लोकल नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो आसाम स्टेट के आसपास वाले जो हैं वो उन्हें तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी आती होगी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज यहाँ पर देख ले सकते हैं 44 47 49 54। जो 44 है जनरल वालों के लिए, एंड 47 है ओबीसी वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 49 है, एंड PWD वालों के लिए ये आपकी मैक्सिमम एज 54 साल है। तो चलिए देख लेते हैं आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले वॉइस टेस्ट होगा 2 मिनट का, सॉरी 1 मिनट, पहले तो वॉइस टेस्ट होगा 2 मिनट का, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं स्पीच टेस्ट इन शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, ये 7 मिनट मिलेगा आपको 560 वर्ड के लिए, ये मार्क्स कंटेन करेगा 100 मार्क्स, ठीक है। और थर्ड वन बोलेगा आपको टाइम टू बी गिवन द कैंडिडेट टेस्टिंग द कंप्यूटर, को ये देंगे आपको टाइम 3 मिनट कंप्यूटर पे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। एंड चौथा, आपको 25 मिनट मिलेगा टाइम फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फॉर द डिक्टेटेड पोर्शन इन कंप्यूटर, ठीक है। ये जो आप लोगों को मोस्टली पता है, मुझे ये मतलब नहीं पता है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो आप लोगों को स्टेनोग्राफ जो
इनकी टाइपिंग में, टाइपिंग के बारे में पता होगा, उन्हें वो लोग जानते होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे उसे कोई टाइपिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो बस आप समझ लीजिएगा वैसे लिखा है। और ठीक है, सेकेंड स्टेज आपका रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंडक्ट किया जाएगा, क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो 50 मार्क्स के रहेंगे, एंड आपके ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा स्टेट आसाम का, जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे, टोटल आपके 70 मार्क्स के रहेंगे, और 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। जो थर्ड रहेगा आपको वाइवा रहेगा, ठीक है, ये जो कि 10 मार्क का कंटेन करेगा। एंड चलिए अब देख लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। इनके इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, www.chgonline.go.in, यहाँ पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, और जैसे जो भी होगा उसके साथ अप्लाई अप्लाई करने का, यहाँ इमेज उमेज का जो भी यहाँ पे इन का है, आप वो कर ही लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो और देख लेते हैं फी क्या है, ये सब तो आप कर लीजिएगा, इतना तो लोग जानते ही हैं, ठीक है। पेमेंट वेमेंट तो चलिए हाँ देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो कोई फी नहीं है, एंड एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये होंगे, और फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 300 रुपये, ठीक है। और देख लेते हैं हाँ, और जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा ये आपका आसाम ही रहेगा, और अगर सिलेबस के बारे में आप पूछना चाहेंगे तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे मेल कर दीजिएगा, तो ये हो सकेगा तो बता देंगे। तो और एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, कब एग्जामिनेशन होगा, जो भी एग्जामिनेशन होगा आपको ये पता चल जाएगा, ये लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी, या अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बता दिया किस टाइप का एग्जामिनेशन होगा, कब एग्जामिनेशन होगा ये भी बता दिया, और लास्ट डेट भी बता दिया, और फी भी बता दिया, ठीक है, तो मोस्टली शायद बता दिया, और सिलेबस के बारे में बोल रहा हूँ तो वहाँ से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो अगर कुछ और डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए ओके बाय, टेक केयर। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से 9 से 10 के बीच में इसी चैनल पे। ओके बाय, टेक केयर।